सिंह डिजाइन कुकिंग क्लासेस में आज मैं ऑरेंजेस का जूस बनाने जा रही हूँ, जो कि फूड प्रोसेसर में बनाएंगे। इसके लिए आप देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। मैंने ऑरेंजेस को हाफ कट करके रखा हुआ है और इसमें मैं ये अटैचमेंट लगा रही हूँ। ये जो इसका जार होता है ये मैंने इसमें लगाया है, इसको अच्छे से मैंने लॉक कर दिया। इसका ये छोटा वाला अटैचमेंट आता है, इसको मैंने इसमें लगा दिया और यहाँ पर इसको मैं फिक्स कर देती हूँ। ये लॉक इसमें हम लगाएंगे और बस इसको मैं स्टार्ट कर दूँगी। अच्छे से चल रहा है तो बस मैं प्रेस करती जाऊँगी हल्का सा। अगर बनाने से पहले हल्का सा प्रेस कर लेंगे ऑरेंज को तो और जल्दी हो जाएगा। तो देखिए अब मैं किस तरीके से इसको बनाती हूँ। हम इसमें करते जा रहे हैं और काफ़ी जूस हमारे इसमें आ चुका है। मैंने 1 kg ऑरेंजेस लिए हैं इसके अंदर, बस इजी है। चलिए जूस तो बन गया है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। लॉक से मैंने इसको इस तरीके से खोल लिया है और ये मैंने इसको निकाला और देखिए कितना अच्छा सा जूस निकल गया है। और बिल्कुल हाथ से जैसे हम निकालते हैं वैसा जूस निकलता है इसमें, क्योंकि इसमें बीज देखिए इसमें ही रह जाते हैं, बीज इसी में रह जाते हैं जिससे भी कड़वाहट नहीं आती है। तो मैं इसको छान लेती हूँ। चलिए इसको छानते हैं अब हम। देखिए जूस कितना अच्छा बना है, मतलब इसके अंदर जो इसका पल्प है वो इसमें काफ़ी रह जाता है तो ये बहुत हेल्दी रहता है बाकी जूसर्स के कंपैरिजन में। इसमें बहुत अच्छा रहता है, वैसे इसको छानना नहीं चाहिए, ज़्यादा हेल्दी है, बेनिफिट यही है अगर आप इसको बिना छाने पिएं तो। लेकिन फिर भी बच्चे भी कई बार कंप्लेन करते हैं कि मुँह में अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको छान लेते हैं। बस इसको मैं 2 मिनट में छान के ग्लासेस में डालती हूँ। तो जूसेस को मैंने छान लिया है, अब मैं इसको डाल देती हूँ ग्लासेस में, बिल्कुल रियल विदाउट शुगर। हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, बिल्कुल जिस टेस्ट में ये ओरिजिनल है वैसे ही रहने दिया है। तो अब वैसे मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ना छाने और बिना छाने पियेंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो हमारा ऑरेंज जूस तैयार है फूड प्रोसेसर के अंदर, और आप चाहें तो इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, फूड प्रोसेसर के अंदर आप जूस किस तरीके से निकाल सकते हैं बिल्कुल उस तरीके से निकलेगा जैसे हम हाथ से मशीनों से निकालते हैं, हाथ की मशीनों से निकालते हैं जिसमें कि बीज नहीं पीस से जाते और कड़वा नहीं होता है जूस। तो आप ट्राई कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।